हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बाल मुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 10 जुलाई 2018 के ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस उन लोगों ने भेजा है जिन लोगों का आज ट्रिपल सी का एग्जाम था। तो उसमें से काफ़ी सारे लोग हैं जो अभी भी क्वेश्चंस मुझे भेज रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, इस वजह से मैं इसको कई अलग अलग पार्ट में डिस्कस करूंगा। अभी इसमें हम 37 प्लस क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस हमें भेजे हैं विवेक सिंह बीर, जो एक यूट्यूबर हैं, इन्होंने बताया है मुझे। इनका एक चैनल है हाई मैन, और अगला नाम है उमाकांत यादव, रजनीश कटियार, दीपांशु कटियार और अनुज तिवारी, ये लोग हैं जिन्होंने मुझे क्वेश्चंस भेजे हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। साहूकारों से लिया गया लोन, तो यहाँ पे कई अलग अलग ऑप्शंस हैं। इंटरेस्ट अधिक होता है, कोई पारदर्शिता नहीं होती, कोई उचित लेखा जोखा नहीं होता, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ये करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। और ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने अपनी क्वेश्चन सीरीज में डिस्कस कर रखा है, अगर आपने देखा होगा तो शायद याद आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है करेंसी नोट कौन जारी करता है, तो आरबीआई जारी करता है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। मियादी जमा खाते पर इंटरेस्ट मिलता है, तो ये हमें मिलता है क्वार्टरली, जिसको हम 3 मंथ्स बोलते हैं, तो यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है POP3 क्या है, तो POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, जो कि मेल्स के लिए यूज किया जाता है, मेल के लिए प्रोटोकॉल है, क्योंकि क्लाइंट साइड पर रहता है मेल्स को रिसीव करने के लिए। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिए हैं, तीसरा चौथा ऑप्शन नहीं है, तो इसमें एक ऑप्शन रहा होगा रिसीव मेल फ्रॉम मेल सर्वर, तो यहाँ पे वो ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है ई गवर्नेंस एक खुशहाल गवर्नेंस है, तो ये बिल्कुल सही है। जो ई गवर्नेंस है वो खुशहाल गवर्नेंस इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे पारदर्शिता होती है, हर इंसान की पहुँच में होता है। आप घर बैठे किसी भी टाइम कोई भी मैसेज आप डाल सकते हैं, या किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन आप रिट्रीव कर सकते हैं। इसके लिए आपको ट्रेवल करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको आने जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये यहाँ पे जो भी ऑप्शंस रहे होंगे उसमें से इसी टाइप का कुछ ऑप्शन रहा होगा। अगला क्वेश्चन है लाइनेक्स एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो बिल्कुल सही है। लाइनेक्स एक हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसके लिए हमें कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता है, और ये फ्रीली अवेलेबल होता है, किसी भी लाइसेंस की ज़रूरत भी नहीं होती है इसमें। अगला क्वेश्चन है सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स रिलेटेड रहा होगा, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन फॉल्स है। यहाँ पे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं इसमें कई अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ पर ये फॉल्स है, क्योंकि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर्स, ड्राइवर्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, ये सारे आते हैं, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन फॉल्स है। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन की शॉर्टकट की क्या है, तो यहाँ पे ऑलरेडी कई सारे ऑप्शंस दिए हैं, जैसे कंट्रोल एच, कंट्रोल एफ, शिफ्ट एफ, कंट्रोल शिफ्ट एफ, तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। कंट्रोल एच से हम फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, कंट्रोल प्लस एच किया और यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है। ओके, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, इसको हम मार्क कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है ईपी रोम का फुल फॉर्म, ये 9 तारीख के एग्जाम में भी पूछा गया था, इससे पहले अगर आपने, मैंने अभी सोल्यूशन डाला है, अगर आपने देखा होगा तो उसमें भी पूछा गया है। ईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम होता है, जिसको हमने अभी जल्दी किसी वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि ईपी रोम क्या होता है, या रोम के कितने भी टाइप्स होते हैं, वो सारे टाइप्स हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। अगला क्वेश्चन है ईमेल से हम वीडियो सेंड कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही है, ट्रू फॉल्स रिलेटेड क्वेश्चन होगा, तो ये ट्रू है, आप ईमेल से किसी भी टाइप की फाइल को सेंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ईमेल में डोमेन नेम और यूजर नेम को @ जो साइन होता है वो अलग करता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, तो ये बिल्कुल सही है। जो @ होता है वो मिडिल में होता है, पहले हमारा यूजर नेम होता है, फिर उसके बाद डोमेन नेम होता है, और ये इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं इस समय ईमेल से रिलेटेड, तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। पहला @ से पहले जो नेम होता है वो यूज़र नेम होता है, इसके बाद वाला जो नेम होता है वो हमारा डोमेन नेम होता है। अगला क्वेश्चन है स्टार टोपोलॉजी से आया था, उसके ऑप्शन में मॉडम, हब स्विच था, या इस टाइप के कुछ और ऑप्शंस रहे होंगे, तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट होगा, हब और स्विच। जो स्टार टोपोलॉजी होता है उसमें क्या होता है कि मिडल में हब या स्विच हम यूज करते हैं, और उसी हब या स्विच से बाकी सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड रहते हैं,
अगला क्वेश्चन है, स्माइली को और किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पे स्माइली जो होता है वो हमारे फेस इमोशंस होते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शन रहा होगा जिसमें एक ऑप्शन होगा फेस इमोशंस, तो वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर के बारे में आया था कि इसमें क्या होता है? तो हमारा जो डिजिटल कंप्यूटर होता है उसमें क्या होता है कि एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जिसके अंदर कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस भी उसके एक पार्ट होते हैं। ओके, कुछ और क्वेश्चंस हैं हमारे पास। ये क्वेश्चंस अभिषेक पटेल ने भेजे हैं और यहाँ पे शायद बनारस लिखा हुआ है, वाराणसी से इन्होंने भेजा है। हु इज द फ्रेंड ऑफ बैंक, या बैंक मित्र से रिलेटेड कोई क्वेश्चन रहा होगा। तो बैंक मित्र जो होता है वो बैंक करेस्पॉन्डेंट होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से एक लास्ट में लिखा है याद नहीं, तो शायद यहाँ पे बैंक करेस्पॉन्डेंट लिखा होगा, वो करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 मिलियन बाइट्स। तो 1 मिलियन बाइट इक्वल होता है 1 MB। अगला क्वेश्चन है, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 बिलियन बाइट। तो 1 बिलियन बाइट इक्वल होता है 1 GB, मीन्स गीगाबाइट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। नंबर सिस्टम विच इन द फॉर्म ऑफ 4 बाइनरी डिजिट। तो यहाँ पे 4 बाइनरी डिजिट, इस टाइप का क्वेश्चन अभी 9 तारीख में भी पूछा गया था, हमने अभी जो वीडियो अपलोड किया उसमें भी डिस्कस किया था। तो जो 4 बाइनरी नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं हेक्साडेसिमल नंबर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो लास्ट ऑप्शन है डी, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, कुछ और क्वेश्चन हैं इन्होंने भेजे हैं। अगला है, मैन इज अ हाई लेवल फॉर्म ऑफ लैन। तो ये ट्रू होगा, यहाँ पे ट्रू फॉल्स रिलेटेड है। जो लैन होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जबकि मैन क्या होता है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, मींस विद इन अ सिटी हम इस टाइप का जो नेटवर्क सेटअप करते हैं उसको हम बोलते हैं मैन। तो यहाँ पे लैन से हाई लेवल का नेटवर्क होता है मैन, तो ये बिल्कुल ट्रू है। अगला क्वेश्चन है, ABP, तो शायद यहाँ पे ये कुछ गलत लिखा हुआ है, अटल पेंशन योजना से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहा होगा, APY। तो यहाँ पे जो अटल पेंशन योजना होती है उसमें जो पेंशन होती है वो 1000 से लेके 5000 तक मिलती है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से रिलेटेड क्वेश्चन रहा होगा। इज अ रिलेटेड टू क्वेश्चंस, रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था ऐसा इन्होंने लिखा है। तो जो हमारी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना होती है उसमें 2 लाख तक का इंश्योरेंस होता है और इसमें लाइफ इंश्योरेंस और एक्सीडेंटल दोनों ही होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी और सी दोनों करेक्ट हैं, तो यहाँ पे बोथ बी एंड सी, ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ MDS एंड ASCII। तो यहाँ पे MDS का फुल फॉर्म यहाँ पे होता है मल्टी लेयर डायरेक्टर स्विच। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ASCII, तो इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसको आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, मे बी दोबारा कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक वेब इज अ सोशल मीडिया नेटवर्क साइट, या यहाँ पे कुछ इन्होंने दोबारा से लिखा है, फेसबुक वेबसाइट इज अ सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट, तो ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, हु डेवलप द फर्स्ट वेब ब्राउजर। तो फर्स्ट वेब ब्राउजर डेवलप किया था मार्क एंडरसन ने, जो इससे पहले भी रिपीट हो चुका है, क्वेश्चन पूछा गया था तब भी हमने बताया था इसका आंसर। ओके, कुछ और क्वेश्चंस भेजे हैं यहाँ पे, वीर हाई मैन यूट्यूबर, यहाँ पे इनका एक शायद यूट्यूब चैनल भी है और ये रायबरेली से हैं। 10 जुलाई का एग्ज़ाम था इनका। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यह एक प्रोटोकॉल है जो वेब पृष्ठों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजता है। तो यहाँ पे HTTP होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो हमारे वेब पेज को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, GUI फोटो में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन रहा होगा, ट्रू फॉल्स रिलेटेड है, तो ये फॉल्स है। GUI हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है जिसके थ्रू हम अपनी मशीन्स को हैंडल करते हैं या कंट्रोल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मुख्य रूप से किया जाता है। तो यहाँ पे वीडियो, फोटोज, इमेजेस और टेक्स्ट का एक कॉम्बिनेशन होता है जो हम पावर पॉइंट में तैयार करते थे। यहाँ पे सारे ऑप्शंस नहीं लिखे हैं तो मैं इसका एग्जैक्ट आंसर भी नहीं बता सकता हूँ क्या था, लेकिन जो हमारी पावर पॉइंट स्लाइड्स होती हैं वो टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और इमेजेस का एक कॉम्बिनेशन होता है।
अगला क्वेश्चन है ई गवर्नेंस व्यवसाय को प्रोत्साहित करता है, तो बिल्कुल सही है, जो हमारा ई गवर्नेंस है वो ऑनलाइन बिजनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ट्रू होगा। वर्ल्ड का एक अनोखा समूह बनाता है, इनमें से कौन सा, तो वर्ल्ड 8 bytes, 8 bits, 8 kilometers, 8 key, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ ये नहीं समझ में आ रहा, तो यहाँ पे 8 बिट्स जो होता है वो वर्ड्स के समूहों का एक अनोखा समूह बनाता है एक तरीके से, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हैश एक वाइल्ड कैरेक्टर है, तो यहाँ पे ये फॉल्स है, क्योंकि जो हमारा वाइल्ड कैरेक्टर होता है वो होता है एस्ट्रिक, और वाइल्ड कैरेक्टर वो कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हम दूसरे कैरेक्टर्स को सर्च करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कंप्यूटर में आपको किसी भी नाम की फाइल, किसी एक पार्टिकुलर टाइप की फाइल को सर्च करना है, जैसे हमें पीडीएफ फाइल सर्च करनी है लेकिन मुझे नाम नहीं पता है और हम ये चाहते हैं कि सारी पीडीएफ फाइल सर्च होके आ जाएं, क्योंकि उस फाइल फोल्डर या फाइल में काफ़ी अलग अलग तरीके की फाइल्स हैं, तो आप सिर्फ चाहते हैं कि जितनी भी पीडीएफ फाइल्स हैं वो हमें स्क्रीन पे देखें, तो आप उसके लिए *PDF लगा के सर्च करेंगे, तो आपको क्या होगा कि जितनी भी पीडीएफ फाइल्स होंगी सिर्फ वो सर्च होके आएंगी। अब उसमें से आप फाइंड आउट कर सकते हो किस पर्टिकुलर फाइल को आप सर्च करना चाहते हो, तो यहाँ पे एस्ट्रिक होता है हमारा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, जबकि हैज यहाँ पे फॉल्स है। ओके, आगे कुछ और क्वेश्चन इन्होंने भेजे हैं। स्माइली का प्रयोग लिखित चिन्ह के रूप में किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, WWW सबसे पहले वैज्ञानिक अनुसंधान में, और यहाँ पे कुछ नाम दिया होगा, प्रयोग किया गया था, तो यहाँ पे मैं बता दूँ CERN एक ऑर्गेनाइजेशन था जहाँ पे WWW टिम बर्नर्स-ली के द्वारा डेवलप किया गया था, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो, अगर यहाँ पे CERN दिया होगा तो ये ट्रू होगा, और अदर कुछ भी दिया है तो ये फॉल्स होगा। अगला क्वेश्चन है, लैन का निजी मालिक होता है, तो बिल्कुल सही, लैन किसी एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जिसका एक अपना कोई ऑनर होगा, कोई एडमिनिस्ट्रेटर होगा जो उस लैन को मैनेज करेगा, तो ये क्वेश्चन ट्रू है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर एक मशीन है जिससे जुड़ा होता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर फर्मवेयर ये तीनों हमारे कंप्यूटर्स में होते हैं। सॉफ्टवेयर आप जानते होंगे जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट, ये सब क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं। हार्डवेयर जिनको हम टच कर सकते हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब क्या है, हार्डवेयर है। फर्मवेयर क्या होता है, बायोस के अंदर जो सॉफ्टवेयर स्टोर होता है उसको हम बोलते हैं फर्मवेयर, तो एक तरीके से जो बायोस है वो हमारा फर्मवेयर है, तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है कंप्यूटर। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन लास्ट में क्या ऑप्शन था ये लिखा नहीं है, तो यहाँ पे शायद होगा ऑल ऑफ द अबव, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, ईमेल द्वारा मैसेज भेज सकते हैं पर फाइल नहीं, तो यहाँ पे ये फॉल्स है, आप मैसेज के साथ में फाइल भी अटैच करके ईमेल्स में भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 अक्षर का एक फुल फॉर्म आया था, तो यहाँ पे इन्होंने पूरा क्वेश्चन नहीं बताया है क्या आया था, तो इसको हम डिस्कस भी नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, कुछ और क्वेश्चंस हैं जो अभी तक लोग भेज रहे हैं मुझे, तो जल्दी ही उनको लेके मैं एक वीडियो बनाऊंगा। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, इससे काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, या फिर हमारे किसी भी वीडियो में कमेंट करके आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। मैक्सिमम जो भी क्वेश्चंस आते हैं मैं उनका रिप्लाई करता हूं, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे लेकिन रिप्लाई ज़रूर मिलता है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसको लाइक भी करिएगा, अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले दिनों में इस तरीके की जो भी इन्फॉर्मेशंस होगी उसके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। अगर आप OLEVEL, CCC या किसी भी कंप्यूटर कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।